रिकॉर्डिंग पुर्तगाल के उस आदमी को एक खूबसूरत लड़की पसंद आ जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि उसके जैसा एक बेरोजगार गरीब लड़का एक खूबसूरत सी लड़की को कैसे इम्प्रेस करे। वो किसी भी कीमत पर उस लड़की को पाना चाहता था और यही चाहत उसे खतरनाक काम के पीछे खींच लाई। उसने एक ऐसे रास्ते को चुना जिसकी वजह से वो अमीर तो बन गया, लेकिन उसकी अमीरी के पीछे लगभग 70 को अपनी जान देनी पड़ी। लेकिन अंत में उस आदमी को ना तो वो लड़की मिली, ना ही उसका पैसा। उस आदमी को पहले फांसी दी गई और उसके बाद उसके सिर को काट कर एक जार में प्रिजर्व कर दिया गया, और उसका प्रिजर्व की हुई खोपड़ी आज भी ऑस्ट्रिया के एक लैब में मौजूद है। और आज के इस वीडियो में हम उसी आदमी की एक खतरनाक कहानी को बताएंगे कि कैसे एक लड़की की चाहत ने उसके खोपड़ी को उसके शरीर से अलग करके हमेशा के लिए एक जार में बंद कर दिया। ये घटना है साल 1886 की। पुर्तगाल में रहने वाला एक आदमी जिसका नाम डिएगो एल्विस, एक बीमारी की वजह से डिएगो की माँ की मौत हो जाती है। असमय अपनी माँ को मरता हुआ देख डिएगो पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी नौकरी भी छूट जाती है। इसी बीच डिएगो की मुलाकात मारिया नाम की खूबसूरत लड़की से होती है। धीरे धीरे बातचीत बढ़ती है और डिएगो को वो महिला पसंद आने लगती है। वो महिला बहुत ही अमीर घर से ताल्लुक रखती थी, इसलिए डिएगो सोचता है कि एक गरीब घर का बेरोजगार लड़का आखिर उसे कैसे इम्प्रेस कर पाएगा। डिएगो किसी भी कीमत पर उस लड़की को पाना चाहता था। डिएगो दिमाग लगाता है कि ऐसी कौन सा रास्ता अपनाया जाए जिससे कम समय में ही अधिक पैसे कमाए जा सके, जिसके बाद वो अमीर बन जाएगा और उस लड़की को इम्प्रेस करके उसे पा लेगा। और यहीं से शुरू होती है दुनिया के सबसे खतरनाक हत्यारे बनने की कहानी। डिएगो का दिमाग बड़ा ही शातिर था। उसने गजब का क्राइम प्लान तैयार किया। डिएगो पुर्तगाल के जिस शहर में रहता था उस जगह दूर दूर से किसान अपनी फसलों को बेचने के लिए आते थे। डिएगो ने उन लोगों को अपना निशाना बनाना शुरू किया। डिएगो से जुड़े खतरनाक बात ये थी कि डिएगो ऐसे लोगों को अपना निशाना बनाता था जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं रहता था। यानी कि डिएगो ऐसे लोगों को निशाना बनाता था जिसे अगर मार भी दिया जाए तो उसका घर परिवार या फिर दोस्त रिश्तेदार कोई भी उसे ढूंढने की कोशिश ही नहीं करता। डिएगो पहले दूर से आने वाले किसानों का इंतजार करता था। जैसे ही वे किसान अपनी फसल को बेचकर पैसा लेकर अपने घर की तरफ वापस निकलते, रास्ते में डिएगो पहले ने झांसा देकर एक ब्रिज पर लेकर जाता था। वहां पर उसके सारे पैसे लूटने के बाद उसे उस ब्रिज के 60 मीटर नीचे नदी में गिरा देता था। डिएगो एक बात का ध्यान रखता था कि नदी में गिराने से पहले विक्टिम के शरीर पर कोई भी चोट लगने नहीं देता, और इतनी अधिक ऊंचाई से पानी में गिरते वक्त विक्टिम की मौत उसी वक्त हो जाती थी। कई बार ऐसा होता था कि डिएगो जिन लोगों को अपना निशाना बनाता था उनकी डेड बॉडी नदी के किनारे लग जाती थी। जब पुलिस या फिर जांच अधिकारी को इस बात की खबर लगती थी कि नदी के किनारे कोई लाश पड़ी है तो पुलिस वहां पर जाती तो जरूर थी, लेकिन जब उसके शरीर पर कोई भी चोट चपेट या फिर मारपीट का निशान नहीं होता था तो पुलिस उसे सुसाइड समझ लेती थी। पुलिस उन सभी केस को सुसाइड इसलिए मानती थी क्योंकि एक और बहुत बड़ा कारण था। उस वक्त पुर्तगाल में रिवोल्यूशन का एक दौर चल रहा था और समाज के ढेर सारे परिवर्तन हो रहे थे। इन परिवर्तनों की वजह से हजारों युवा ऐसे थे जो बेरोजगार हो गए थे। जांच अधिकारियों और पुलिस को लगता था कि शायद बेरोजगारी की वजह से वे लोग डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर रहे हैं। डिएगो ने इतने खतरनाक तरीके से इस प्लान को तैयार किया था कि किसी को भी इस बात का शक नहीं होता था कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। डिएगो ने लगभग 4 साल तक लगातार इसी तरह की घटना को अंजाम दिया, और 4 साल तक जांच अधिकारी और पुलिस यही मानती रही कि नदी के किनारे मिलने वाली डेड बॉडीज मर्डर नहीं बल्कि सुसाइड है। डिएगो ने 4 साल के दौरान लगभग 70 लोगों को अपना शिकार बना लिया और उन लोगों के लूटे हुए पैसे से वो बहुत ही अमीर बन गया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अब तक डिएगो के दिमाग में उस लड़की का फितूर पूरी तरह से निकल चुका था और अब उसे सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा था। लगभग 4 सालों बाद एक दिन ऐसा आया जब डिएगो के पाप का घड़ा पूरी तरह से भर चुका था। डिएगो ने उस दिन भी दूर से आने वाले एक किसान को अपना टारगेट बनाया और उस ब्रिज पर उससे लूटपाट करने के बाद जैसे ही उसे धक्का देना चाहा, किसी ने उसे देख लिया। डिएगो को तुरंत पुर्तगाल की पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया और उसके ऊपर केस चलाया गया। जांच अधिकारियों को पता चला कि वो पिछले 4 साल में 70 से ज्यादा हत्याओं को अंजाम दे चुका था।
इतना बड़ा हत्यारा होने की वजह से पुर्तगाल की अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई। लेकिन दुनिया के सबसे खतरनाक हत्यारे की कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। उसी वक्त ऑस्ट्रिया में एक वैज्ञानिक था जो मस्तिष्क विज्ञान का बहुत बड़ा ज्ञाता था। मस्तिष्क विज्ञान को अंग्रेजी में फ्रेनोलॉजी कहते हैं। वो वैज्ञानिक तरह तरह के क्राइम करने वालों के मस्तिष्क पर शोध करना चाहता था। बहुत से लोग ऐसे भी थे जो मरने के बाद अपने मस्तिष्क को यानी अपनी खोपड़ी को अपनी इच्छा अनुसार उस वैज्ञानिक को डोनेट कर देते थे। लेकिन इस बार ऑस्ट्रिया के उस वैज्ञानिक को डिएगो के दिमाग पर शोध करना था कि इतना खतरनाक हत्यारा का दिमाग किस तरीके से काम करता है। उस वैज्ञानिक का नाम फ्रांज जोसेफ था। उस वैज्ञानिक ने पुर्तगाल के अधिकारियों से बात करके जैसे डिएगो को फांसी दी गई उसके तुरंत बाद उसके सिर को काट कर अपने साथ लेकर चला गया। वैज्ञानिक एक लंबे समय तक डिएगो की खोपड़ी पर तरह तरह की रिसर्च करने लगा और बताया कि एक हत्यारे का दिमाग किस तरीके से काम करता है, एक हत्यारे का चेहरे की बनावट कैसी होती है। लेकिन बाद में उस वक्त के और अलग अलग वैज्ञानिकों ने उस वैज्ञानिक के सभी स्टेटमेंट को ये कहकर खारिज कर दिया कि जोसेफ ने जो भी तथ्य बताए हैं वे तभी संतुष्टि लायक होंगे। जिसके बाद उस वैज्ञानिक ने लिक्विड नाइट्रोजन से भरे एक जार के अंदर डिएगो की खोपड़ी को हमेशा के लिए कैद करके रख दिया। उसका मानना है कि भविष्य में और भी वैज्ञानिक आएंगे जो फ्रेनोलॉजी की दुनिया में और भी बड़ा काम करते हुए इस हत्यारे के दिमाग पर रिसर्च करेंगे और मस्तिष्क विज्ञान की दुनिया में तरह तरह के तथ्य सामने आएंगे। यही वजह है कि पुर्तगाल के उस खतरनाक हत्यारे की खोपड़ी आज भी ऑस्ट्रिया की एक लैब के अंदर जार में कैद है। खैर, किसी इंसान की खोपड़ी को शरीर से अलग करके लैब में रखने की ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि आज के वक्त में अमेरिका में दो ऐसी कंपनीज है जो लोगों की इच्छा अनुसार मरने के बाद लोगों के शरीर से उसकी खोपड़ी को अलग करके जार के अंदर बंद करके रख देती है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर कोई ऐसा क्यों चाहेगा और अमेरिका की वो दो कंपनीज ऐसा क्यों कर रही है। 600 मिली है, पटेल चौक और प्रीतम प्लाजा का चक्कर लगाया, फिर सदर बाजार और गदर। तो दोस्तों आपको बता दें, वैज्ञानिकों ने मरे हुए लोगों को जिंदा करने की एक टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया है और अमेरिका की दो कंपनी जिसका नाम एल्गोर है और दूसरे का नाम क्रायोनिक्स है, लोगों को पूरा भरोसा है कि अमेरिका की वो दो कंपनीज एक ना एक दिन ऐसा करने में कामयाब जरूर हो जाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो कंपनी मरे हुए लोगों की खोपड़ी को कैद करके क्यों रख रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब किसी इंसान की सांसें बंद हो जाती है, जब किसी इंसान का दिल धड़कना बंद हो जाता है, तो कानूनन रूप से उस इंसान को उसी वक्त मरा हुआ मान लिया जाता है। लेकिन विज्ञान की निगाहों से देखें तो एक इंसान तब तक नहीं मरता जब तक उसका दिमाग काम करना बंद ना कर दे। यानी कि अगर किसी इंसान का सांस तो चल रहा है लेकिन उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया है, तो विज्ञान की नजर में वो इंसान उसी वक्त मर चुका है। लेकिन अगर उसकी सांसें थम चुकी हैं और उसका दिमाग एक्टिवेट है तो वो अभी भी जिंदा है। जब किसी इंसान की धड़कन बंद हो जाती है तो उसके बाद में लगभग 10 से 15 मिनट तक उसका दिमाग ठीक तरीके से काम कर रहा होता है और यही वो वक्त है जब अमेरिका की वो दो कंपनी किसी इंसान के दिमाग को हमेशा के लिए कैद करके रख लेती है। अमेरिका की वो दोनों कंपनी उस मरे हुए इंसान के शरीर में एक खास तरीके का केमिकल भरती है जिससे उसका शरीर सड़ता नहीं है। उसके बाद उस मरे हुए इंसान के शरीर को लिक्विड नाइट्रोजन से भरे एक बॉक्स के अंदर जिसके अंदर का तापमान -320 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है उसके अंदर कैद कर लेती है। अब भले ही उस इंसान का शरीर मर चुका है लेकिन उसका दिमाग उस बॉक्स के अंदर अभी भी जिंदा है और अगली कई सदी तक जिंदा रहेगा। और वैज्ञानिक लगातार इस चीज पर काम कर रहे हैं कि उस जार के अंदर रखे गए दिमाग के लिए एक नया शरीर तैयार किया जा सके। और जिस दिन वैज्ञानिक एक नया शरीर तैयार करने में कामयाब हो जाएंगे उसके बाद प्रिजर्व करके रखे गए उन सभी दिमाग को एक नए शरीर में इंस्टॉल करके उसे जिंदा कर लिया जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने खराब हो चुके कंप्यूटर के अंदर से हार्ड डिस्क को निकाल कर किसी नए कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं। अब आपका कंप्यूटर भले ही नया है लेकिन उस पुराने हार्ड डिस्क की वजह से आपके नए कंप्यूटर में आपका सारा पुराना डेटा सुरक्षित है। वैज्ञानिकों के द्वारा किए जाने वाले इसी काम को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। अमेरिकी कंपनी इस काम को करने के लिए लगभग 25 करोड़ रुपए मांगती है और जिस भी इंसान को दोबारा जिंदा होने की चाहत है वो 25 करोड़ देने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। लेकिन आपको ये रकम अपनी मौत से पहले ही उस कंपनी को देनी होती है।